Good morning all of you. Welcome to this online teaching classes. I hope all my students of class 10 are well. Due to this lockdown situation, we are lacking the time, so we have to make up our syllabus through this online teaching. First of all, I would like to give you some information. That is, some of the chapters of your book will be taken by me and some will be taken by Arijit Kundu sir. Today we will deal with First Flights, first chapter, A Letter to God by G.L. Fuentes. In this chapter, we have a message given by the author, that is, about faith. What is faith? Faith, we mean that it is a complete confidence in a person or a plan. Faith kya hai? Faith matlab vishwas. Vishwas hum kehte hain usse jab hum totally kisi ke upar bharosa karte hain. Yahan pe hum vishwas ke bare mein janenge ya fir jo main character hai unke vishwas ke bare mein जानेंगे ताकि खुद हम अपने ऊपर विश्वास ला सकें. मोर प्रिसाइसली यहाँ पे ऑथर ने भगवान पे भरोसा करने की बात कही है. दो मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पे. वन इज लेंचो, ही इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है और ही पोजेसेस अ लॉट ऑफ फेथ इन गॉड. नेक्स्ट वी हैव द पोस्टमास्टर, जो पहले लेंचो का लेटर देखने के बाद हंसते तो है लेकिन वो बाद में उनका विश्वास ताकि ख़राब ना हो उनकी लेटर को रिप्लाई देने का ठान लेते हैं और देते भी हैं. अभी हम कहानी में जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंचो वॉज अ फार्मर whose house was the only house in the entire valley of a low hill. और वहाँ से वो अपना घर देख सकते थे, वो अपना खेत देख सकते थे जो कि पूरा एकदम filled with ripe corn, dotted with flowers, and it proved to be a good harvest. लिंचो अपना खेत को देखते हुए कह रहा था कि अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है थोड़ा सा बारिश. थोड़ा बहुत बारिश हो जाए तो फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग सपर और वो कुछ देर में खाने के लिए सबको बुलाती है. खाते वक्त लेंचो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ. धीरे धीरे बारिश गिरने लगा एंड लेंचो वॉज वेरी हैप्पी. खाना ख़त्म करने के बाद वो बाहर जाते हैं जस्ट टू टेक द प्लेजर ऑफ द रेन. कुछ देर वो बाहर रहते हैं, उसके बाद वो घर आके कहते हैं और ही कंपेयर्स द रेन ड्रॉप्स एज द बिग रेन ड्रॉप्स एज द 10 सेंट्स सिल्वर कॉइन्स एंड द स्मॉल रेन ड्रॉप्स एज द 5 सेंट्स सिल्वर कॉइन्स. लेंचो इस टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था बारिश के चलते लेकिन उसका ये सेटिस्फैक्शन ज़्यादा देर तक रहा नहीं. अचानक से एक बहुत भारी तूफान आ गया, अ बिग स्टॉर्म और यू कैन से अ वेरी वेरी लार्ज drops of rain along with large hailstones started falling. और इसके वजह से लेंचो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि ये तूफान, ये बारिश, ये hailstones उसकी फसल के लिए नुकसानदायक था. वो उम्मीद कर रहा था कि ये बारिश जल्दी ख़त्म हो जाएगी लेकिन
ये बारिश ख़त्म नहीं हुई थी, करीब एक घंटा तक ये बारिश चल रही थी। द टोटल फील्ड वॉज कवर्ड विद द फ्रोजन पर्ल। फ्रोजन पर्ल क्या है? फ्रोजन पर्ल इज द हेल स्टोन। लग रहा था कि कोई नमक छिड़का दिया है खेत पे। दूसरे दिन लेंचो जाके देखते हैं कि उनके खेत पे द टोटल क्रॉप हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। एक भी पेड़ में एक भी पत्ते नहीं थे और नेचुरली बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। जब तूफान थम गई और वो अपने खेत के बीचों बीच खड़े थे, तब उन्हें ये समझ आ गया था कि अब उनका इस साल कॉर्न नहीं उगेगा और शायद उन लोगों को भूखा मरने की नौबत आ जाए। लेकिन लेंचो को भरोसा था। किस चीज़ का और किसके ऊपर भरोसा? ये था भगवान के ऊपर कि कोई अगर उसकी मदद ना भी करे, भगवान ज़रूर उनका मदद करेंगे। ही वॉज वेरी डिटर्मिंड दैट वन डे गॉड विल डेफिनेटली हेल्प हिम। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड एंड आस्क हिम फॉर हिज हेल्प। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ही पोस्टेड अ लेटर। इन हिज लेटर ही रोट, अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि अगर आप मुझे हेल्प नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली जो है वो भूखे मर जाएंगे। सो ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos। तो वो भगवान को इसीलिए 100 pesos भेजने के लिए कहा। अब ये उनका जो लेटर है, इट वॉज रिसीव्ड बाई वन ऑफ द एम्प्लॉयज इन द पोस्ट ऑफिस। उनका लेटर पढ़ते ही वो एम्प्लॉय हंस पड़ा। ही स्टार्टेड लाफिंग और वो लेटर पोस्टमास्टर के पास ले गए। पोस्टमास्टर भी शुरू में उनका लेटर देखने के बाद बहुत ज़्यादा हंस दिए, बट उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, लेंचो का ये जो विश्वास है उसको हम ज़ाया होने नहीं दे सकते। वी हैव टू आंसर हिज लेटर। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो लेंचो का लेटर आंसर करेंगे और ही विल अरेंज फॉर द मनी। तो कैसे पैसे उन्होंने जुगाड़ किए? ही गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को और अपने दोस्तों से कहा कि कुछ कुछ करके पैसे वो जमा करें जस्ट टू सेंड इट टू लेंचो। बहुत कोशिश करने के बाद वो 100 pesos तो जुगाड़ कर नहीं पाए, बट ही कुड मैनेज ओनली 70 pesos एंड ही डिसाइडेड दैट ही विल गिव दैट 70 pesos टू लेंचो। द फॉलोइंग संडे लेंचो वेंट टू रिसीव द लेटर। नेक्स्ट संडे को वो लेटर रिसीव करने जाते हैं एंड एज ही ओपन द लेटर ही कुड सी देयर वॉज ओनली 70 pesos। और वो वही पोस्ट ऑफिस से ही फिर दोबारा चिट्ठी लिखे भगवान को। लेंचो को पूरा विश्वास था कि भगवान ने उन्हें 100 pesos ही भेजा है, बट उनमें से कुछ पैसा शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने रख लिया होगा। तो उन्होंने भगवान को चिट्ठी ये लिखा कि अगली बार जब आप पैसा भेजिएगा तो ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के द्वारा नहीं भेजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो फ्रॉड है। ही बिलीव्ड दैट गॉड कैनॉट सेंड हिम लेस मनी। उनके मन में ये विश्वास तो था कि भगवान मुझे, मैंने जितना पैसा मांगा है वो मुझे उतना ही पैसे दिए होंगे, ये पोस्ट ऑफिस वालों ने ही रख लिया होगा पैसा।
सो इसीलिए उन्होंने भगवान को लिखा कि आप अगली बार जब बाकी के पैसे भेजिएगा तो इन लोगों के द्वारा नहीं भेजिएगा। दिस प्रूव्स दैट लेंचो कितना विश्वास रखता था भगवान पे, एंड इट इज़ अ लेसन टू अस ऑल्सो। हम अक्सर प्रॉब्लम में पड़ते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं बट अपने अच्छे दिनों में भूल जाते हैं। मोर ओवर हमें विश्वास नहीं होता भगवान पे, कुछ भी हमारे मुताबिक नहीं होता तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं। बट लेंचो यहाँ पे हमारी तरह इतना एडवांस ना होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था भगवान पे, एंड ही बिलीव्ड दैट द टोटल ऑफ द 100 pesos वर सेंड बाय गॉड, बट दीज पोस्ट ऑफिस पीपल हैड टेकन 30 pesos फ्रॉम दैट मनी, एंड सो ही टोल्ड गॉड नॉट टू सेंड द रिमेनिंग ऑफ द 100 pesos थ्रू द पोस्ट ऑफिस ड्यू टू द फ्रॉड्स। समराइज तो हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट वॉट यू विल डू इज यू विल गो थ्रू द चैप्टर लाइन बाय लाइन, मार्क द वर्ड्स, मार्क द मीनिंग्स, फाइंड आउट द मीनिंग्स इफ इट इज नॉट देयर इन द बुक। बीच बीच में क्वेश्चंस होंगे उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू ऑलवेज वेलकम टू कॉन्टैक्ट मी। ओके, स्टे सेफ, बी सेफ, स्टे इन द हाउस, डोंट गो आउट एनीवेयर, एंड स्टडी। Thank you.